दोस्तों, इस वाल का आप कंडीशन देखिए, इसमें फफूंदी लग गया है और सीलन के कारण ये पपड़ी बन बन के पेंट निकल रहा है। आप ध्यान से देख सकते हैं, ये देखिए कैसे वाल पूरा ख़राब हो रहा है। ये देखिए यहाँ का प्लास्टर वगैरह भी निकल रहा है इस पर से। ये पूरा देखिए वाल का नज़ारा दूर से दिखा रहे हैं आपको। अब हम आपको एकदम पास लेके जा रहे हैं, ये देखिए एकदम पास से देखिए कैसे फफूंदी लगा हुआ है इस पर से, फंगस की टाइप लगा हुआ है। ये देखिए आप ध्यान से देख सकते हैं इसमें कैसी दिक्कतें आई हुई हैं और कैसे प्लास्टर टूटा हुआ है। इस पर 3-4 बार मरम्मत कराया जा चुका है, फिर भी इसके कंडीशन में कोई सुधार नहीं हुआ है। ये देखिए कैसे निकल रहा है, अंदर की मसाला वगैरह भी निकल रहा है, आप देख सकते हैं। अब देखिए इसको साफ़ करने के बाद से हमने इसके ऊपर URP केमिकल को मिलाने के साथ इस पर वाटरप्रूफिंग किया जा रहा है, ताकि जो बालू झड़ रहा है वो बालू ना झड़े। आप देख सकते हैं अब इसके ऊपर पूरा अप्लाई करेंगे। ताकि अंदर भी दीवार की कंडीशन अच्छी रहे। अब देखिए यहाँ पर हमने अप्लाई करना शुरू कर दिया है। इसमें क्या क्या मिला हुआ है आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, हम बता देंगे आपको क्या क्या इसमें लगाया गया है। हाँ, लेकिन आपको एक दिखा देते हैं केमिकल कौन सा लगाया गया है इसमें। URP केमिकल मिक्स किया गया है जो कि डॉक्टर फिक्सिट का है। देखिए आधा बोतल हमने पूरा इस्तेमाल कर लिया, अभी आधा बचा हुआ। इसका प्राइस वगैरह भी हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए इसका प्राइस, ये कितने का पड़ता है, 430 रुपये का है ये। इसका MRP रेट हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन उससे कम में मिल जाएगा आपको। अब ये देखिए ये वाल पे पूरा अप्लाई किया जा चुका है और वाल लगभग लगभग ड्राई भी हो रहा है। अब ये होने के बाद से हम इसके ऊपर लगाएंगे PVC पैनल। अब देखिए कंडीशन देख सकते हैं आप, थोड़ा सा अब वाल की कंडीशन भी सुधार हो गई। ये देखिए PVC पैनल हम लगा रहे हैं। अब इसके पूरा इस दीवार पर पूरा PVC पैनल लगाएंगे। बाकी वीडियो हम पार्ट 2 में देंगे आपको।